एक गाना है फिल्म में, चंदा हो चंदा। अब लोग उनको पूछे कि क्या किया चंदा, कहाँ है चंदा, कहाँ से आया चंदा। लगभग 7,000 करोड़ जिस तरह से बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए हैं, ये ब्लैक मनी है, ये काला धन है, ये अपराध के मार्ग से आया हुआ पैसा बीजेपी ने राजनीति में इस्तेमाल किया। सरकारें पाड़ने तोड़ने के लिए विधायक और सांसदों को खरीदने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया। ये सीधा सीधा पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये काला धन है, काला धन का इस्तेमाल आया है, हो गया है, बीजेपी के खाते में गया है, बीजेपी के खाते से और किसी खाते में चला गया है। तो ये मेरी मांग है ईडी से, आप उनकी जांच करिए। और जब से ये काला धन बीजेपी के खाते में आया है, तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनको आप, उनके ऊपर आप FIR लॉन्च करो और उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। एक गाना है फिल्म में, चंदा हो चंदा। अब लोग उनको पूछे कि क्या किया चंदा, कहाँ है चंदा, कहाँ से आया चंदा। लगभग 7,000 करोड़ जिस तरह से बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए हैं, ये ब्लैक मनी है, ये काला धन है, ये अपराध के मार्ग से आया हुआ पैसा बीजेपी ने राजनीति में इस्तेमाल किया। सरकारें पाड़ने तोड़ने के लिए विधायक और सांसदों को खरीदने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया। ये सीधा सीधा पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये काला धन है, काला धन का इस्तेमाल आया है, हो गया है, बीजेपी के खाते में गया है, बीजेपी के खाते से और किसी खाते में चला गया है। तो ये मेरी मांग है ईडी से, आप उनकी जांच करिए। और जब से ये काला धन बीजेपी के खाते में आया है, तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनको आप, उनके ऊपर आप FIR लॉन्च करो और उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।